नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकराल आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 19th लेक्चर लेके आए हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सूत्र नंबर 15 खत्म किया था और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूत्र नंबर 16, जिसका नाम है गुणक समुच्चय, जिसका ट्रांसलेशन होता है ऑल द मल्टीप्लायर्स और सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो ये जो सूत्र है वो इतना यूजफुल नहीं है, बट फिर भी ये सूत्र जो है हमारा जो सूत्र नंबर 9 था चलन कलनाभ्याम, उससे थोड़ा रिलेशन में है। तो उस टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, जो चलन कलनाभ्याम हमारा जो सूत्र था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर तो इज इक्वल टू जीरो और वट एवर बराबर। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर आप बाय कैलकुलस करने जाओ या आप डायरेक्टली उसको सीधा लिख सकते थे कि उसका जो सॉल्यूशन है वो आप डायरेक्टली सीधा लिख सकते हो, टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ये जो हमने चलन कलनाभ्याम जो हमारा सूत्र था उसमें डिस्कस किया था। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कैसा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सामने मानो कि यहां पे ऐसा लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो मानो कि आपको दिया है एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस डी, ऐसा है इसका सॉल्यूशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसका जो सॉल्यूशन आपको दिया है एक्स प्लस ई इंटू, इधर देखो मल्टीप्लाई है, एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस डी। तो जो हमारा जो सूत्र था चलन कलनाभ्याम उसमें हमने क्या लिखते थे कि हम इसका जो बाय कैलकुलस आंसर लाते हैं वो क्या है, टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे उधर, प्लस और माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लिखते थे। अभी जो ये सूत्र है उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये इक्वेशन को अगर ये वाले ऊपर वाले इक्वेशन को आपको अगर सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, चलन कलनाभ्याम से हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इधर ये लाए बराबर, उसके इक्वल क्या लिखना है पता है आपको, सीधा आपको इसका समेशन लिख देना है। तो समेशन क्या होगा, एक्स प्लस ई प्लस, देखो इधर मल्टीप्लीकेशन था वो इधर कन्वर्ट होके हो जाएगा प्लस में, एक्स प्लस डी। तो बस इतनी सी बात है कि आपको यहां पे क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो इक्वल टू में जो फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में आया है उसका जब आप सॉल्यूशन लाने जाओगे तो आपको क्या लिखना है, जो चलन कलनाभ्याम से हमने इसका लिखा था टू ए एक्स प्लस बी बराबर और बाय कैलकुलस जो भी बोलो, और ये जो सामने टर्म है उसको हमें इधर मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस में कन्वर्ट कर देना है। एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास मानो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर बराबर, ये इसका जो आप इसके इक्वल टू मैंने लिखा है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस वन बराबर। तो ये इक्वेशन से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली हम लिख पाएंगे टू एक्स, देखो यहां पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है एक वो वन ही है,
तो मैं सीधा इधर लिख रहा हूं 2x प्लस यहां पे जो यहां पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था a वो 1 है, तो मैंने सीधा लिख दिया 2a, 2ax की जगह 2x बराबर। b क्या है, ये आपका b है, तो 2x plus 5 is equal to, आप क्या लिख सकते हो, x plus 4 प्लस यहां मल्टीप्लिकेशन जो है आपका इधर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में x प्लस 1। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है भी नहीं, ये जो सूत्र है वो ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, जो हमारे दूसरे जैसे हमने शुरू में देखे थे जो भी सूत्र हमारे निखिलम सूत्र था, एकाधिकेन पूर्वेण था, उतना यूजफुल नहीं है ये सूत्र। फिर भी ये जो है हमारे 16 सूत्र थे उसमें ये था पार्ट, तो हमने कवर किया इधर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, जो 16 सूत्र थे वो अब आप कंप्लीट कर चुके हैं, अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, जो उसके सब सूत्र है 13 सब सूत्र है वो अभी भी हमारे पेंडिंग है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से। अगर आपके आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।